नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार के सियासी गलियारे में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं दोनों। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि फर्जीवाड़े में साथ देने का आरोप है। मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। देवघर रिखिया में जमीन की बिक्री में मध्यस्थता करवाने का आरोप लगा है। पिछले दिनों मुंगेर लोकसभा सांसद ललन सिंह के फर्जी पीए कुणाल बनकर लोगों को ठगी करने वाले के शख्स की गिरफ्तारी के बाद यह मामला संज्ञान में आया था। खुद यह मामला मुंगेर के एसपी लिपि सिंह के पास है और लिपि सिंह इसमें क्या कुछ कह रही है, सुनिए। आप संख्या 348-19 दर्ज किया गया था। ये मामला जो है, इसमें एक जो बहरूपिया टाइप का आदमी था, वो माननीय सांसद महोदय जो मुंगेर क्षेत्र के हैं, उनके नाम पर वो उनके पीए बताने का काम करता था और लोगों से धोखाधड़ी करता था। तो मामला एक संज्ञान में आया कि देवघर में एक ज़मीन को जो है धोखे से लिखवाने में उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद उसके कन्फेशन और सीडीआर एनालिसिस के बाद उसमें पूर्व मंत्री बिहार के श्री नरेंद्र सिंह और उनके पुत्र श्री सुमित सिंह पे जो है सीडीआर एनालिसिस और कन्फेशन और तथा अन्य इंटेलिजेंस के आधार पर जब जांच की गई तो वो दोनों की संलिप्तता पाई गई। इसके आधार पर मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। तो आपने सुन लिया, अविलंब गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस अब दोनों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि देवघर स्थित रिखिया के पास ललन सिंह के फर्जी पीए और उनके साथियों ने फर्जी रूप से जमीन लिखवाने का काम किया था। इसी जमीन मालिक और इन फर्जी पीए के बीच में मध्यस्थता कर आने का दोनों पर आरोप लगा है। पूर्व मंत्री पर भी ये आरोप है। आज मुंगेर पुलिस ने दोनों को अविलंब गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। पदाधिकारी ने टीम का गठन कर छापेमारी कर तुरंत गिरफ्तारी करने का निर्देश दे दिया है। तो आपको बता दें कि मुंगेर से ये बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आपको याद होगा, ये वही नरेंद्र सिंह है जो रांची गए थे मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद यादव से, और लगातार सियासत में अपनी जो बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पैड बनाने की कवायद में लगातार लगे हुए थे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है मुंगेर से कि मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। जमीन फर्जीवाड़ा का मामला है। मुंगेर से जो एसपी है लिपि सिंह, उन्होंने खुद बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि दोनों को संलिप्त पाया गया है, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह को इस मामले में संलिप्त पाया गया है और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एक बार हम फिर से आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। फर्जीवाड़े के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोप है कि फर्जीवाड़ा में दोनों ने साथ दिया है। मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। ये मामला देवघर रिखिया जमीन की बिक्री से मध्यस्थता करवाने के मामले से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। छापेमारी भी जारी हो चुकी है, छापेमारी चल रही है। मुंगेर एसपी लिपि सिंह के निर्देश के बाद से अधिकारियों के बीच में टीम गठित कर दिया गया है। अधिकारी टीम गठित करके छापेमारी कर रहे हैं। आप लाइव सीरीज साथ बने रही है, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज से लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।